सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। तो दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय 2021 कक्षा 6 का जो रिजल्ट है वो आ चुका है और रिजल्ट आने के बाद अब बहुत सारे जो बच्चे हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, अलग अलग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जैसे कि इस बार उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो क्या वो 2022-23 के लिए जो फॉर्म आए हैं वो भर सकते हैं, दोबारा फॉर्म भर सकते हैं, क्या वो अपने नंबर चेक कर सकते हैं, क्या वो लिस्ट निकाल सकते हैं कि जो वेटिंग लिस्ट में जो बच्चे हैं उनमें सबसे टॉप में कौन है। इस तरह के जो प्रश्न हैं आपके, इस तरह के क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये क्वेश्चंस कि क्या आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो क्या दोबारा फॉर्म भर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको जवाहर नवोदय विद्यालय के नोटिफिकेशन में मिल जाता है। तो ये जवाहर नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट है और ये आपका जो हमारा जो जवाहर नवोदय विद्यालय का नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन है, ये आप देख सकते हैं 2021 का जो नोटिफिकेशन था ये कुछ इस तरीके का था और 2022-23 का जो नोटिफिकेशन है वो भी आप चेक कर सकते हैं। और इस नोटिफिकेशन में दोस्तों जो प्रवेश से रिलेटेड जो जानकारी है यहाँ दे रखी है कि कौन पात्र है, इस वाले सेक्शन में पेज नंबर 4 में आप आएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कोई भी उम्मीदवार या कोई भी अभ्यर्थी किसी भी परिस्थिति में चयन परीक्षा में दूसरी बार बैठने के लिए ये योग्य नहीं होगा। अगर आपने एक बार फॉर्म भर दिया है तो चाहे आपने एग्ज़ाम दिया हो या न दिया हो, चाहे आप पास हुए हों चाहे फेल हुए हों, आप दूसरी बार परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं। ये जवाहर नवोदय विद्यालय के नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि दोबारा आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं अगर आपने एक बार अप्लाई कर दिया है। अब आपका जो अगला क्वेश्चन है कि क्या हम अपने नंबर चेक कर सकते हैं कि हमें कितने नंबर मिले हैं, तो दोस्तों इस तरीके का भी यहाँ जवाहर नवोदय विद्यालय के नोटिफिकेशन में जो है बताया जाता है कि नंबर आपको देखने को नहीं मिलते हैं, केवल जो है सिलेक्टेड कैंडिडेट जो हैं उनका जो है नाम जवाहर नवोदय विद्यालय में जाता है कि ये बच्चे जो हैं सिलेक्ट हुए हैं, वो भी प्रिंसिपल देख पाता है कि कौन कौन बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और ऑनलाइन आप अपना रिजल्ट देख पाते हैं कि कौन सिलेक्ट हुआ है, उनको आ जाता है कि प्रोविजनली सिलेक्टेड। तो इसमें दोस्तों आप नंबर भी नहीं देख सकते हैं कि हमारे कितने नंबर आए हैं या हम जो है कितने नंबर हमें मिले हैं एग्ज़ाम में, ये भी आप नहीं चेक कर सकते हैं। दूसरा इसमें क्वेश्चन है कि जो कैंडिडेट पास हो गए हैं उनके बाद जो कैंडिडेट हैं जो कि सिलेक्ट नहीं हुए हैं, क्या उनकी लिस्ट देख सकते हैं कि वेटिंग लिस्ट यानी जो टॉप में जो बच्चे होंगे जो कि सिलेक्ट नहीं हुए हैं, क्या हम उनकी लिस्ट देख सकते हैं और लिस्ट देख सकते हैं तो कहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके का भी कुछ जो है जवाहर नवोदय विद्यालय से जो है नहीं देखने को मिलता है कि आप अपने जो सिलेक्टेड कैंडिडेट की जो लिस्ट है या फिर जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं उन बच्चों की जो लिस्ट है वो कहीं से देख पाएँ। इस तरीके का कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय समिति ने जो नोटिफिकेशन दिया है, जो वेबसाइट है, इन पर इस तरीके का कहीं भी कोई जानकारी नहीं है और ये अभी तक कहीं भी देखने को नहीं मिला है कि जवाहर नवोदय विद्यालय ने उन बच्चों का जो है लिस्ट दिया हो या बताई हो कि कौन बच्चे जो है सिलेक्ट हुए हैं या कौन नहीं हुए हैं। केवल आप जो है विद्यालय में जाके सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट देख सकते हैं, वहाँ नोटिस बोर्ड पर लिस्ट चिपकाई रहती है और कुछ कुछ जगह जो नवोदय विद्यालय हैं वो न्यूज़पेपर में भी लिस्ट देते हैं जो सिलेक्टेड हैं कि कौन कौन से बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। तो कहीं भी जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए हैं उनकी लिस्ट आप नहीं देख सकते हैं। डीएम ऑफिस से या फिर खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से आप अपनी लिस्ट देख सकते हैं कि कौन बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, यानी कि रिजल्ट आप देख सकते हैं, लेकिन जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं वो आप कहीं से भी नहीं देख सकते हैं। अब दूसरा ये क्वेश्चन आपका है कि जो वेटिंग लिस्ट में हैं उनमें से कौन से बच्चे जो हैं, किन बच्चों को जो है बुलाया जाता है वेटिंग लिस्ट में, किन का नाम आता है और लिस्ट कैसे आप देखेंगे वेटिंग लिस्ट। तो दोस्तों जो वेटिंग लिस्ट है नहीं आती है, मैंने कल भी एक वीडियो में बताया था कि वेटिंग लिस्ट नहीं आती है, केवल जो सीटें खाली रह जाती हैं किसी कारणवश, जैसे कि किसी के एडमिशन के दौरान कोई डॉक्यूमेंट्स गलत हो जाते हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा है और शहरी क्षेत्र से वो फॉर्म भर देता है, या फिर शहरी क्षेत्र में किसी बच्चे ने पढ़ाई करी है कक्षा 3-4-5 और वो ग्रामीण से फॉर्म भरता है तो उसको जो है बेसिकली एडमिशन नहीं मिलता है, तो इस तरह से उसकी सीट खाली रह जाती है। और इसी तरह से अगर कैटेगरी में कोई सीट खाली है, जैसे SC/ST कैटेगरी में कोई सीट खाली रह गई है, तो उसके लिए उन बच्चों को बुलाया जाता है जो कि सिलेक्ट नहीं हुए हैं लेकिन टॉप में हैं, वो भी केवल जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल के द्वारा या वहाँ के जो प्रबंधन जो समिति होती है उनके द्वारा आपको बुलाया जाएगा, ये उसके लिए कहीं भी कोई लिस्ट जारी नहीं की जाती है। जवाहर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड दोस्तों इसी प्रकार के जो प्रश्न हैं आप पूछ सकते हैं कमेंट में और आपके जो सारे प्रश्न हैं उनका जवाब
हम देंगे आपको वीडियो के माध्यम से या फिर आपके कमेंट का रिप्लाई करके। तो आप जवाहर नवोदय विद्यालय से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आपकी पूरी सहायता की जाएगी। और इसी तरह जवाहर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरीके की एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।